हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट क्या आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम ने होस्ट की है फोर्थ समिट फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी इन लंडन और क्या आपको पता है कि स्पेस सस्टेनेबिलिटी किसे कहते हैं और इसकी क्या जरूरत है तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि स्पेस सस्टेनेबिलिटी क्या होती है क्या है चैलेंजेस टू स्पेस सस्टेनेबिलिटी स्पेस जंक किसे कहते हैं ऑर्बिटल क्राउडिंग क्या होती है और स्पेस सिक्योरिटी क्या चीज़ है रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम ने होस्ट की है फोर्थ समिट फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी इन विद द सिक्योर वर्ल्ड फाउंडेशन आइए सबसे पहले देखते हैं स्पेस सस्टेनेबिलिटी से क्या मतलब है स्पेस सस्टेनेबिलिटी से मीनिंग है कि एंश्योर किया जा सके कि ह्यूमैनिटी स्पेस को पीसफुल पर्पसेस और सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल कर सके ऐसा इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू स्पेस में एक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो गई हैं और अब अराउंड 80 कंट्रीज़ के पास स्पेस में अपनी सैटेलाइट्स हैं बेसिकली स्पेस एक ग्लोबल रिसोर्स है जिसमें कि एक एक्टर की एक्टिविटीज़ यानी कि एक कंट्री की एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट कर सकती हैं एक्टिविटीज़ ऑफ अदर कंट्रीज इन स्पेस लास्ट वन डेकेड में कमर्शियल सैटेलाइट्स रैपिडली इंक्रीज करी हैं और इसके कारण फ्यूचर स्पेस एक्टिविटीज के लिए चैलेंजेस खड़े हो गए हैं एट द मोमेंट सबसे ज़्यादा कंसेंट्रेशन कमर्शियल सैटेलाइट्स की है आइए अब जानते हैं क्या है तीन बड़े चैलेंजेस टू द स्पेस सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा चैलेंज है स्पेस जंक या स्पेस डेवरिस का स्पेस टैबरिस स्पेस जंक या ऑर्बिटल डेबरिस कहते हैं उन डिफंक्ट सैटेलाइट्स रॉकेट बॉडीज और फ्रेगमेंटेड को जो कि किसी भी यूजफुल कर रहे हैं, में, moment, हैं जो कि हाई इंपैक्ट स्पीड्स में ट्रेवल कर रहे हैं साइंटिस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि स्पेस डेब्रिस इतना इंक्रीज हो जाएगा कि इट विल डिक्रीज आर एबिलिटी टू सस्टेन द बेनिफिट ऑफ द स्पेस सिस्टम्स ये स्पेस डैब्रिज अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट को क्राउड कर रहे हैं और इसके कारण एक हैज़र्ड हैं ये टू द एक्टिव सैटेलाइट्स एंड स्पेस ऐसा इसलिए है क्योंकि बेशक ये पीसेस ऑफ डैब्रिस कितने ही छोटे हों लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि ये ऑपरेशनल सैटेलाइट को भी डिसेबल कर सकते हैं और ये स्पेस स्टेशन को एक पोटेंशियल कोलिजन थ्रेट देते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट चैलेंज है ऑर्बिटल क्राउडिंग का अर्थ के ऑर्बिट में स्पेस लिमिटेड है और अब अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जो कि एक नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स होता है वो बहुत कॉमन हो चुके हैं और इसी वजह से ऑर्बिट्स की एक फ़िजिकल क्राउडिंग हो गई है विथ सैटेलाइट्स एंड डेबरिस और इसकी वजह से एक चेन रिएक्शन इनिशिएट हो सकती है जिसको हम कैसलर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं आइए ब्रीफ में जानते हैं कि कैसलर सिंड्रोम क्या होता है कैसलर सिंड्रोम का आइडिया प्रपोज किया था नासा के साइंटिस्ट डोनल्ड कैसलर ने इन 1978। इस कंसेप्ट में कहा गया था कि स्पेस जंक इंक्रीज हो जाने से ऑर्बिट में चेन रिएक्शन जनरेट होगी जिससे मोर और मोर ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे और क्रिएट करेंगे न्यू स्पेस जंक इन द प्रोसेस और अल्टीमेटली डोमिनो इफेक्ट के कारण अर्थ का ऑर्बिट अनस्टेबल बन जाएगा यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि कभी भी एक मिशन जब कंप्लीट हो जाता है तो एक एंड ऑफ लाइफ प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है जिसके हिसाब से स्पेस ऑब्जेक्ट्स को मूव किया जाता है टू अ ग्रेवयार्ड ऑर्बिट और टू अ लो ऑल्टीट्यूड बट इनमें से कोई भी ऑप्शन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है थर्ड चैलेंज है स्पेस सिक्योरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलिट्रीज डेवलप कर रही हैं कैपेबिलिटीज टू डिसरप्ट डिग्रेड एंड डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स फॉर नैशनल सिक्योरिटी रीजन्स और इन एक्शंस का स्पेस पर बहुत बुरा कंसिक्वेंस पड़ता है ऐसा इसलिए है क्योंकि डेलीब्रेटली डिस्ट्रॉयड सैटेलाइट्स की वजह से थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं और वो इतने स्मॉल होते हैं कि इनको ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पेस सस्टेनिबिलिटी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे हम जानेंगे क्या है प्लान फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी जो इस समिट में डिसाइड हुआ है और साथ ही हम जानेंगे क्या है इंडिया का स्टैंड ऑन स्पेस सस्टेनेबिलिटी अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री पी और फ्री नोट्स देते हैं थे। थैंक थे। यू